हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर योरसेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि योस प्लगइन को हम लोग वर्डप्रेस पे कैसे सेटअप करते हैं ताकि हम लोगों का एसईओ का काम ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है योस्ट क्या है, मैं आपको बता दूँ, योस्ट एक औसम एसईओ प्लगइन है जो कि आपका एसईओ का काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको योस्ट प्लगइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाला वीडियो देख लो, जिसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि योस्ट प्लगइन किस काम आता है और ये हम लोगों का काम एसईओ से रिलेटेड कैसे आसान कर देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि योस्ट प्लगइन को कैसे सेटअप करते हैं किसी भी न्यू ब्लॉग पे। तो इसके लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और चले जाइए प्लगइन सेक्शन पे। ठीक है, ऐड न्यू, यहाँ पर आपको सर्च बार पे लिखना है YOST। ठीक है, इसको लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा आएगा ऑप्शन। ठीक है, ये वाला आपको इंस्टॉल करना है, तो चलिए मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योस हम लोगों का इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं इसको एक्टिवेट भी कर देता हूँ, एक्टिवेट। तो योस हम लोगों का एक्टिवेट भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को अब जाना है जनरल पे। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ, आप भी अपने ब्लॉग पे ऐसे ही कीजिएगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ जनरल पे। तो यहाँ पर आप देख लो, जनरल पे आ जाने के बाद हम लोगों के पास कुछ ऐसा ऑप्शन आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आकर देखता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ नहीं है, मैं फीचर पे आता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग फीचर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, जो जैसा है आपको वैसा रहने देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेब मास्टर टूल पे। यहाँ पर आपको जब आप अपने वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स कराना चाहिएगा तो यहाँ पर आप करके गूगल का एक कोड मिलेगा, ठीक, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अपना वेबसाइट बिंग में भी इंडेक्स कराना है तो उसका भी कोड यहाँ पर क्लिक करके बिंग वेब मास्टर टूल पे जब क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पर, तो आपको बोलेगा कि आप याहू के ईमेल एड्रेस से लॉगिन कीजिए। जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक की मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी की को आप यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पर भी कीजिएगा तो आपको बोलेगा कि अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। जब कीजिएगा तो आपको एक की मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम 15-16 अंक का की रहता है तो आपको मिल जाएगा, बस वही की को आपको कॉपी करना, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही की को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का की रहेगा, बस उसको पेस्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद से सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी कीजिएगा तब भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कर दीजिएगा तो अच्छा है। तो जनरल का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जनरल में कुछ नहीं करना है हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं सर्च अपीयरेंस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोगों का काम शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है एसईओ टाइटल, यानी कि आपका वेबसाइट का नाम गूगल पे क्या इंडेक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर के अपनी वेबसाइट का एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पर जैसे ही मैंने सर्च किया myhealthtipsinhindi.com, तो यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है, देखो myhealthtipsinhindi-beautytipsinhindi। तो ये अपने मतलब से शो नहीं हो रहा है, मैंने ये करवाया है। ठीक है, तो आपने भी सोचा होगा कि आपका वेबसाइट का नाम गूगल पे क्या इंडेक्स होगा, आपने कुछ भी सोच के रखा होगा, तो वही चीज़ को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है ना। यहाँ पर ये पूछ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पूछ रहा है ना एसईओ टाइटल, बस यही चीज़ को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने पहले ही कर रखा है, देखो मैंने पहले ही कीवर्ड को निकाल के रखा है अपने ये वाले शायरी वाले ब्लॉग के लिए, मैं अपने मतलब से नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये मैंने कीवर्ड फाइंडर यानी कि गूगल का कीवर्ड जो प्लानर होता है ना, मैंने उसको यूज़ करके कुछ कीवर्ड निकाला है अपने वेबसाइट से रिलेटेड, जो कि मेरे लिए बेस्ट है इस ब्लॉग के लिए। तो आप भी कीवर्ड रिसर्च कीजिए, आपका वेबसाइट के लिए जो कीवर्ड अच्छा रहेगा वही कीवर्ड को आप अपने वेबसाइट पे डालिए एसईओ टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन पे, जो कि आपके वेबसाइट के लिए बेस्ट रहेगा गूगल पे बेहतर रैंक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा वेबसाइट का टाइटल होगा एसईओ टाइटल, जब भी कोई सर्च करेगा ना यहाँ पर hindishayari.com गूगल पे, तो यही शो होगा हिंदी शायरी, फनी शायरी और क्या नाम है हिंदी स्टेटस और हिंदी पोइट्री, ये शो होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यही चुना है ना इसलिए। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, अपना एसईओ का टाइटल यहाँ पर डाल देना है, आप जो भी अपना कीवर्ड सर्च कर लीजिए। ठीक है, आपका वेबसाइट के लिए जो आपको अच्छा लगता है कीवर्ड आप अगर अपने ब्लॉग पे चाहते हो
वही कीवर्ड को आप अपने SEO टाइटल में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब भी कोई आपका वेबसाइट गूगल पे सर्च करेगा कुछ इस तरह, तो उसको यही शो होगा, ठीक है, माई हेल्थ टिप्स इन हिंदी डैश ब्यूटी टिप्स इन हिंदी, ठीक है, इसी तरह से शो होगा। कुछ दिन बाद देखिएगा, जब आप मेरे वेबसाइट को गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, ये वाले हिंदी शायरी, तो यही शो होगा गूगल पे, ठीक है। तो इसी तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर है ना, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इस ब्लॉग में आपको मिलेगा हेल्थ टिप्स इन हिंदी, वेट लॉस टिप्स इन हिंदी, ये सब मैंने लिखा है, ठीक है। ये सब मेरा वेबसाइट का कीवर्ड है, जो कि मैं चाहता हूँ जो कि कोई अगर सर्च करे गूगल पे तो ये मेरे वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक करे, ठीक है। ये मैंने अपने मतलब से नहीं लिखा है, ये मैंने कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड को निकाला है अपने वेबसाइट में ब्लॉग के लिए, ताकि ये सब कीवर्ड पे मेरा वेबसाइट रैंक कर पाए, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आप अपना अच्छा अच्छा कीवर्ड निकालिए और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन पे आपको यही ऐड करना है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये कैसे दिख रहा है, अगर आपको अपना कीवर्ड दिखलाना है मेटा डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर अपीयरेंस पे आ करके मेटा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो मैंने कीवर्ड रिसर्च करके रखा है मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर है ना डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। आप भी अपना कीवर्ड रिसर्च करके पहले रख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर आप करते जाइएगा कॉपी पेस्ट, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या पूछ रहा है, कंपनी और पर्सन, यानी कि आपका वेबसाइट किसका है, कोई कंपनी का है या खुद आपका, तो ये तो मेरा सिर्फ पर्सनल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पर्सन का नाम क्या है बता दीजिए इसको आप, मेरा नाम क्या सभी जानते हैं, ठीक है, महबूब आलम, इसको मैं सेव करके सेव कर देता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करके, ओके। तो अब हम लोगों का जनरल वाला काम कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ दिन बाद देखिएगा, एक से दो दिन के अंदर जब आप मेरे वेबसाइट को सर्च कीजिएगा ना गूगल पे हिंदी शायरी .com, तो देखिएगा गूगल पे यही टाइटल आएगा और मेटा डिस्क्रिप्शन पे यही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आपको भी अगर करना है तो आप भी यही कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बार बार बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाए कॉन्टेंट टैब्स पे, यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, यानी कि आपका पोस्ट गूगल पे आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जी बिल्कुल करवाना चाहते हैं, तो आप इसको यसी रखिएगा, ठीक है। डेट आप अपने पोस्ट का अपडेट गूगल पे इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जी नहीं मुझे नहीं करवाना, इसलिए मैं यहाँ पर हाइड रखूँगा इसको, ठीक है। यहाँ पर योस्ट SEO मेटा बॉक्स, यानी कि जो पोस्ट का टाइटल होता है ना, जैसे कि मैं आपको कैसे दिख लाऊँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, शुगर में क्या नहीं खाना चाहिए, ये पोस्ट का टाइटल हो गया और ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। ये आपको दिखाना है, ये वाला आपको दिखाना है, जी ज़रूर दिखलाना है, तो मैं इसको भी ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो आप भी जो जैसा है वैसे ही रखिएगा, यस हाइड और शो में रखिएगा, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, आप भी ऐसे रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जब आप अपने लिए पोस्ट क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पर टाइटल पेज सेपरेट आप इसको हटा दो, ठीक है, सिर्फ आपको टाइटल रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे ही करो, आपके लिए सही रहेगा, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ टाइटल रखिएगा, ओके। ऐसा कर देने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, तो जी ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है पेजेस, तो चलिए जाते हैं हम लोग यहाँ पर पेजेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है सेटिंग फॉर योर सिंगल पेज URL, यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी वाले जो पेज होता है ना, कि आप उसको गूगल सर्च में दिखाना चाहते हो, जी नहीं मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, मुझे अपने ये वाले सब पेज को दिखाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको डेट दिखाना है उस पेजेस का, जी नहीं मुझे डेट वगैरह नहीं दिखलाना है, यहाँ पर आपको इसको शो ही रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही काम कीजिए, आपको सिर्फ टाइटल रखना है, बाकी सबको उड़ा देना है, ठीक है। ये कर देने के बाद इसको आप फिर से सेव कर दीजिए, सेव चेंजेस। तो कंटेंट टैब्स का भी हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मीडिया की तरफ, यहाँ पर देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आप इसको ऑफ ही रखिएगा, ठीक है। तो मीडिया का काम भी कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टेस्टिमोनीज पे, ठीक है। तो टेस्टिमोनीज पे आ जाने के बाद, तो ये वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, शो कैटेगरी इन सर्च रिजल्ट, यानी कि जो आपका कैटेगरी होता है ना, जैसे कि ब्लॉगिंग टिप्स, फिर इसके बाद से चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो ये सब है ना, जो बिजनेस आइडियाज, मेक मनी टिप्स, नॉलेज इन हिंदी टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब क्या है, ये सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपको इसको गूगल पे इंडेक्स करवाना है तो आप करवा सकते हो, मुझे ये करवाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा। फिर हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, इसको आप शो ही रखिए, ठीक है। और यहाँ पर शो टैग्स इन सर्च रिजल्ट, यानी कि जो अपने पोस्ट पे आप टैग देते हो ना पोस्ट करने टाइम,
आपको इसको गूगल पे इंडेक्स करवाना है, मुझे नहीं करवाना है इसलिए मैं नो। फिर उसके बाद से फिर इसी की तरफ आइए आप, यहाँ पर देखो पोस्ट फॉर्मेट, इसको भी आप डिसेबल रखो, और यहाँ पर कैटेगरी यू आर इसको भी रिमूव कर दो, और यहाँ पर इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन का हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं आर्काइव्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पर तो आर्काइव्स पे आ जाने के बाद ये वाला जो है ना ऑथर आर्काइव, इसको आप डिसेबल कर दो, और डेट आर्काइव को भी आप डिसेबल कर दो। ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसको सेव कर दो। तो आर्काइव्स का भी हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, आप इसको डिसेबल ही रखोगे। ठीक है, और आरएसएस भी बाय डिफॉल्ट रहता है, आप इसको भी वैसे ही रखो, कुछ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सर्च अपीयरेंस का काम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ सर्च कंसोल पे। यहाँ पर भी आपको वही करना है, यहाँ पर आपको गेट गूगल ऑथराइजेशन कोड पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरा बहुत सारा जीमेल आईडी है, तो मैं अगर किसी से भी लॉगिन कर लूँगा तो मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट की मिल जाएगा। ठीक है, तो वही की को मैं यहाँ पर ले जा करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ की मिलेगा तो मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पर ऑथराइज बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स होने लगेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि गूगल पे अपने वेबसाइट को कैसे इंडेक्स करवाना है, तो मैंने उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप देख लोगे तो आप सीख पाओगे कि अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट को गूगल पे किस तरह से इंडेक्स करवाना है। ओके, तो अगर आप नहीं जानते तो आप उस वाले वीडियो को देख लो, सीख पाओगे। या अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर ऐसा क्लिक करके कर दोगे तो तब भी ठीक है, अगर नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो ये वाला भी काम कंप्लीट हो चुका है सर्च कंसोल का। अब हम लोग आते हैं सोशल की तरफ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा सोशल मीडिया का यहाँ पर यूआरएल मांग रहा है। आपके पास अगर फेसबुक पेज का यूआरएल है, अगर आपने हिंदी शायरी फेसबुक नाम से कोई पेज बनाया है फेसबुक का, तो आप यहाँ पर डाल दो। इसी तरह से आपका ट्विटर का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, लिंक्डइन का भी है, माईस्पेस का भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना कर रखा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना कर रखा है, देखो है ना, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, टम्बलर है, ये ब्लॉग स्पॉट है, ये इंस्टाग्राम है। अगर आपने भी अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बना कर रखा है अपने ब्लॉग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर मेहरबानी करके डाल दीजिए, है ना। इसको मैं कट कर देता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ, रुको। यहाँ पर डाल दीजिए, उससे क्या होगा, आपका वेबसाइट बेहतर रैंक करेगा गूगल पे। ठीक है, क्योंकि उसको सोशल सिग्नल मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो बना के डाल दो, अगर नहीं है तो बना लो, कोई बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आप अगर YouTube पे सर्च करोगे कि ये सारा पेज को कैसे बनाते हैं, Instagram पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, LinkedIn पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, MySpace पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप सीख पाओगे। ठीक है, अगर उतना नहीं भी करना है तो आप तीन चार बना लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप Pinterest का बना लो, Instagram का बना लो, Twitter का बना लो, Facebook पेज का बना लो, और YouTube का भी बना लो। ठीक है, ये सब ज़रूरी है, आप बना लो। ठीक है, बना देने के बाद अपना पेज का URL यहां पर पेस्ट कर देना, पेस्ट करके सेव कर देना। ओके, तो ये हो गया है सोशल का काम। अब हम लोग आते हैं टूल की तरफ। टूल पे आपको एक काम करना है, आपको robot.txt वाला फाइल यहाँ पर पेस्ट करना है। अब आप बोलोगे कि वो क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको अपने वेबसाइट का एग्जांपल दे देता हूँ। देखो मैं अपने वेबसाइट के नाम के आगे स्लैश और अगर robot.txt लिख के इंटर कर दूंगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तब उसके बाद से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर मैं आकर के यहाँ पर आपको भी अपना, अगर आपको नहीं पता है कि robot.txt फाइल कहाँ मिलेगा आपको, तो आप मेरे ही वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, और स्लैश दे करके robot.txt लिखना, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेने के बाद आपको आना है योस्ट के अंदर, और यहाँ पर फाइल एडिटर पर क्लिक कीजिएगा आप। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्रिएट robot.txt फाइल है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये वाला अभी हम लोगों का फिलहाल robot.txt फाइल है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्लैश दे करके लिख दूँ robots robots.txt और एंटर, तो देखो यही चीज़ यहाँ पर भी है और यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो आपको इसको हटा देना है। ठीक है, और आप जो मेरे वेबसाइट से कॉपी करोगे, ठीक है, आपको वही चीज़ यहाँ पर पेश करना है, कंट्रोल वी,
और यहाँ पर मेरा वेबसाइट का URL है bestforyourself.com, आपको अपना वेबसाइट का URL देना है, ठीक है। मेरा वेबसाइट का URL ये वाला है, ठीक है। आपका भी अपना वेबसाइट का जो URL रहेगा आप भी यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है, मेरे वेबसाइट को रिप्लेस करके, है ना। मैंने डाल दिया है HINDISHAYARI.com, जो कि मेरा वेबसाइट का नाम है। आपको भी अपने ही वेबसाइट का URL यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, sitemap.xml। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो गूगल का बॉट आता है हम लोगों के वेबसाइट पे, ठीक है, जो कि हम लोगों का पोस्ट को इंडेक्स करेगा, पेजेस को इंडेक्स करेगा, वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, ठीक है, तो उसी बॉट को हम लोग बता रहे हैं कि आपको क्या इंडेक्स करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना डिसलाउ, यूज़र एजेंट को आप छोड़ दो, यहाँ पर देखो डिसलाउ जो है हम लोग बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है, इसको जाने दो आप, ठीक है, इसका मतलब आप इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है, ये होम पेज के लिए। और यहाँ पर देखो डिसलाउ, ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। जब भी कोई यूज़र हम लोगों के वेबसाइट पर आ करके, देखो ये मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक है, तो जब भी कोई यूज़र मेरे वेबसाइट पे आ करके कुछ भी सर्च करेगा, यहाँ पर सर्च बार पे, चाहे यहाँ बोल लो चाहे यहाँ बोल लो, जहाँ पर भी सर्च बार पे अगर सर्च करेगा, देखो मैंने सर्च किया, इस नाम का कोई पेज है गूगल पे, इनमें जाने के मेरे वेबसाइट पे, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मेरा जबान स्लिप कर रहा है, ठीक है। इस नाम का कोई भी पोस्ट है मेरे वेबसाइट पे, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर गौर करो, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो रोक करके देखो, ठीक है। यहाँ पर स्लैश हुआ और एक क्वेश्चन मार्क है, ऐसे इज इक्वल टू है, और जो मैंने सर्च किया है वही हो आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अलग एक पेज बन गया, ठीक है, ये पेज में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये गूगल क्या करेगा, गूगल मान लेगा कि ये एक पेज है, उसको ये इंडेक्स कर देगा गूगल पे, ठीक है। तो इसको इंडेक्स कराने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपको भी गूगल को बताना होगा कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप उसको इंडेक्स मत कीजिए गूगल पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये तो यूज़र हम लोगों के वेबसाइट पे आते हैं तो वो किसी भी पोस्ट को या किसी भी पेज को या किसी भी को भी ढूंढने के लिए यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो जितने बार सर्च करेंगे वो अलग अलग चीज़ बनता चला जाएगा यहाँ पर, और उस पेज में वो रहेगा नहीं कुछ, ठीक है। तो उसको इंडेक्स कराने का मतलब ही कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बताया है गूगल को, अगर आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मार्क के बाद इसके बाद कुछ अगर दिखता है तो आप उसको इंडेक्स मत कीजिए, मेहरबानी करके, हम लोग गूगल के बॉट को बता रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो डिसअलाउ WP एडमिन, जो होता है ना WP एडमिन, जैसे कि हम लोग अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के लिए WP एडमिन पे जो लॉगिन करते हैं, कुछ ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, जैसे कि है ना यहाँ पर WP एडमिन, तो इसको इंडेक्स कराने का मतलब क्या है WP एडमिन को, ये तो हम लोगों के लिए है ना, ये तो ऑथर के लिए है जो कि अपने वेबसाइट पर लॉगिन करता है, तो इसको इंडेक्स कराने का मतलब ही नहीं बनता है। तो हम लोग गूगल के बॉट को बता रहे हैं कि अगर आपको WP एडमिन दिखता है तो आप उसको इंडेक्स मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंडेड, यानी कि हम लोगों के वेबसाइट पर रहता है ना यहाँ पर साइड बार पे कि आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये वाला पोस्ट पढ़ सकते हैं, तो आप उसको इंडेक्स मत करवाइए, ठीक है, वो डुप्लीकेट कंटेंट का प्रॉब्लम हो सकता है फिर बाद में, ठीक है। तो आप उसको इंडेक्स मत कराइए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कॉमेंट और फीड, जैसे कि कुछ लोग हम लोगों के वेबसाइट पर आकर कॉमेंट करते हैं ताकि लोगों को बैकलिंक मिल जाए, तो मैं ये झंझट नहीं रखता हूँ, ठीक है। मुझे अपने वेबसाइट से किसी को भी कॉमेंट के जरिए बैकलिंक नहीं देना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गूगल के बॉट को कि आप कमेंट को स्कैन ही मत कीजिए, ना कि आप स्कैन कीजिएगा, ना कि आप इसको गूगल पे इंडेक्स कीजिएगा, ना ही किसी को बैकलिंक मिलेगा मेरे वेबसाइट से, ठीक है। तो इसलिए मैंने गूगल के बॉट को मना कर दिया कि आप मेरे वेबसाइट का जो कमेंट रहेगा आप उसको स्कैन मत कीजिए, आप उसको गूगल पे इंडेक्स कीजिए ही मत, इसलिए मैंने गूगल के बॉट को मना कर दिया है, ठीक है। आर्काइव्स, वही साइड बार पे आता है जो, ठीक है, मुझे उसको भी क्या नाम है इंडेक्स नहीं करवाना है। कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मुझे उसको भी नहीं करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर अलाउ जो होता है ना यूज़र मीडिया, यानी कि गूगल का एड वगैरह होता है, जो गूगल का हो गया चाहे media.net का हो गया या किसी भी कंपनी का जो ऐड लगाते हैं हम लोग अपने ब्लॉग पे, तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि आप उसको क्या नाम है रीड कर सकते हो, उसको इंडेक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर डाल देना है, कैसे डालना मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास नहीं ये चीज़ तो आप मेरे वेबसाइट पर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर bestforyourself.com/ के बाद robot.txt लिखिएगा, आपको ऐसा मिल जाएगा, अपने कॉपी कीजिए, अपने ब्लॉग पर ले जा करके पेस्ट कीजिए, यहाँ पर फाइल्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया जोश के अंदर टूल के अंदर आकर के फाइल के अंदर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा, तो आप पेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट का URL डाल लेना है, डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस टू robot.txt पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखोगे आप चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चेंज किया है ना, देखो अभी फिलहाल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एक मिनट में और एक बार देख लेता हूँ, सेव चेंजेस,
चलिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। मेरे ख्याल से ये कुकीज़ वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सक्सेसफुली हम लोगों का चेंज हो चुका है robot.txt। तो गूगल का बॉट जो है, जो कि हम लोगों ने मना कर दिया गूगल के बॉट को, तो वो क्या करेगा, वो अब इन सब चीज़ों को स्कैन ना करेगा, ठीक है ना। वो स्कैन करेगा ना ही गूगल पे इंडेक्स करेगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। तो टूल का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रीमियम का रहा बात, तो प्रीमियम में छोड़ दीजिए, आपने प्रीमियम वर्सन नहीं खरीद तो आप प्रीमियम वाले बात को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड जितना चेंजेस करना था मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको गूगल पे रैंक करने में बेहतर मदद करेगा, ठीक है। और एक चीज़ करना है, वो क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है फिर से टूल के ऑप्शन पे, माफ़ कीजिएगा, नहीं टूल के ऑप्शन पे नहीं, जनरल के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जनरल, और यहाँ पर देख लो आपको आना है फीचर पे, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है site.xml, है ना, site.xml, ठीक है। यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ पर सी द साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको एक साइट मैप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका वेबसाइट का सब कंटेंट रहेगा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट पे एक भी पोस्ट को ऐड नहीं किया है। जब आप अपने वेबसाइट पे कम से कम एक पोस्ट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा साइट मैप, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ एग्जाम्पल, तब आपको बेहतर आइडिया मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर के अपने वेबसाइट पे, एक मिनट, मैं जाता हूँ जनरल पे। मेरे वेबसाइट पे पहले ही इससे साइट मैप है, ठीक है, यानी कि मैंने पहले ही अपने वेबसाइट पे कम से कम 40-45 पोस्ट करके रखा है। आप कम से कम एक भी कीजिएगा ना, तो आपको साइट मैप आपका दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पर आकर के फीचर पे जाऊँगा, है ना, और यहाँ पर मैं साइट मैप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन वाले आइकन पे, और यहाँ पर सीधा साइट मैप, यानी कि मुझे, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि इसको, योश को, कि आप मेरा वेबसाइट का साइट मैप दिखलाइए। तो यहाँ पर देखो आ चुका है मेरे वेबसाइट का साइट मैप, यानी कि ये जो साइट मैप है उसके ज़रिए मैं गूगल को बता रहा हूँ कि आपको मेरे वेबसाइट का सिर्फ पोस्ट को इंडेक्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ पोस्ट को इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए ये बोल रहा है योश्ट कि आपने सिर्फ अपने पोस्ट को इंडेक्स करवाने के लिए साइट मैप को जनरेट किया है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लेने के बाद आपको आना है गूगल पे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपको आना है वेबमास्टर टूल पे, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर आपने अपने वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करने के लिए सबमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बहुत सारा वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पर, ये मेरा वेबसाइट आ चुका है, ठीक है। तो मुझे साइट मैप को कहाँ सबमिट करना है, ठीक है, मुझे साइट मैप को सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर देखो साइट मैप का नाम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, और आपने जो साइट मैप को कम से कम एक पोस्ट कर लीजिएगा, तो आपको अपना साइट मैप दिखने लगेगा। तो उसको आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कैसे करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिर आपको आना है यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर ऐड साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपने जो कॉपी किया अपने वेबसाइट का साइट मैप, उसको पेश करके यहाँ पर अपना वेबसाइट का जो डोमेन है उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बता रहा है कि आपका वेबसाइट का डोमेन है, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता था। आप उसको उड़ा करके, ये वाला जो है इसको भी उड़ा दीजिए, ठीक है, इसको भी उड़ा देने के बाद इसको आप सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके पोस्ट में, आपके वेबसाइट में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये बोल रहा है कि आपके वेबसाइट पे 48 पेजेस है, जिसमें से 34 पेज इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है आपके वेबसाइट पे टोटल 94 इमेजेस है, जिसमें से 55 इंडेक्स हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता सब इंडेक्स हो जाएगा, जिससे आपको, इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलते रहेगा कि आपके वेबसाइट पे कौन सा पोस्ट है, कौन सा इंडेक्स हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। ये सब ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना कम से कम एक पोस्ट को सबमिट कीजिए, यानी कि पब्लिश कीजिए अपने वेबसाइट पर, फिर उसके बाद से आप आके देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सीधा एक्सेल क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको देखने लगेगा अपना साइट मैप। तो वही साइट मैप को आप पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि आपका कौन सा पेज सबमिट हुआ है, इंडेक्स हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको सब पता चलते रहेगा, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है, तो आप कर लीजिएगा, ओके। तो बस पूरा योश का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको जो जो चेंजेस करना था, जो जो क्या क्या करना था, मैंने आपको सब बता दिया, ओके। तो आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में करके दिखा दिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ योश से रिलेटेड आपका जितना भी मन में क्वेश्चन था, कैसे क्या करना है, कैसे सेटिंग करना है, कैसे क्या होता है, नहीं होता है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए।
ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।